हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब, बताइएगा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल प्रविका फैमिली ब्लॉग्स में। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अपने लड्डू गोपाल जी का डेली रूटीन, कि मैं कैसे उनकी पूजा पाठ करती हूँ, कैसे उनकी सेवा करती हूँ दिन भर। बस वही सब। आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे, वीडियो को फुल वॉच करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आगे जो भी वीडियोज आए उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग मेरे वीडियो को देख सकें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर मैं मंदिर को साफ़ करूँगी। मंदिर को साफ़ करने के लिए मैंने ये रूमाल अलग से रखा हुआ है, मैं उसी से साफ़ कर रही हूँ। और ये ज्वेलरी भगवान की जो रात में निकाली थी सोने से पहले, हम उनके सारी ज्वेलरी निकाल के तभी सुलाते हैं। और यहाँ पर ठाकुर जी ने पहले ही चाय वगैरह पी ली है, क्योंकि हम सीधा उन्हें उठाते ही नहलाते नहीं हैं, पहले उनको नाश्ता वगैरह करा देते हैं, उसी के बाद उनको नहलाते हैं। यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल को नहलाएंगे, और उन्हें नहलाने के लिए मैंने लिया है एक बर्तन जिसमें वो आराम से बैठ सकेंगे। ठाकुर जी ने एक दिन पहले कपड़े पहने थे, उनको मैंने निकाल के एक साइड रख दिया, इनको मैं बाद में धुलूंगी। मिल्ली जी, आप लोग भी हमारे क्यूट से प्यारे से ठाकुर जी से, और इनका श्रृंगार है जो मेकअप है, मैंने घर पे ही किया है, जन्माष्टमी के पहले किया था, इसलिए अब वो थोड़ा थोड़ा निकल गया है, अब जल्दी मैं उनका फिर से कर दूंगी। और यहाँ पर लिया है मैंने एक तांबे का लोटा जिसमें मैंने शुद्ध और साफ पानी लिया हुआ है। अब ठाकुर जी को अच्छे से मैं नहलाऊंगी, क्योंकि इनके चंदन वगैरह लगा है तो उसको सही से निकाल दूंगी। इसके बाद ये ठाकुर जी की टॉवेल है, मैं इसी से इनको अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ, और पोंछने के बाद इनको मैं कपड़े पहनाऊंगी। कपड़े पहनाने से पहले मैं इनका थोड़ा सा श्रृंगार करूंगी चंदन और रोली से, क्योंकि कपड़े पहनाने के बाद करने से थोड़ा बहुत कपड़ों पे भी लग सकता है, इसलिए मैं पहले ही कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं ठाकुर जी को दिन के हिसाब से कपड़े पहनाती हूँ, जो भी दिन है उसी हिसाब से उसी कलर के कपड़े पहनाऊंगी। फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के पास ड्रेसेस, हार माला, चूड़ी, कंगन, मुकुट, पगड़ी, इन सब का बहुत बड़ा कलेक्शन है। और वैसे भी मैं लड्डू गोपाल जी को यूं ही कोई भी कपड़े नहीं पहनाती हूँ, मैं दिन के हिसाब से ही कपड़े चूज करती हूँ, और उसी से मैच करती हुई उनको ज्वेलरी भी पहनाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी की शॉपिंग मोस्टली वृंदावन से की हुई है, क्योंकि यहाँ की शॉप पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, जैसे जो चीज़ें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ मिलती नहीं है, इसलिए मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ वहीं से कान्हा जी के लिए इकट्ठा सब कुछ ले आती हूँ। ड्रेस वगैरह, उनकी ज्वेलरी है मैचिंग की, और भी चीज़ें हैं, वो सब एक साथ ले आती हूँ। और मेरा जाना नहीं हुआ होता जो भी जाता है मैं उससे मंगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ठाकुर जी को कपड़े वगैरह पहनाने के बाद तैयार कर रही हूँ, उनको मैंने हार पहना दिया है और एक कंगन चूज कर रही हूँ कि कौन से पहनाने हैं। तो मैंने उनकी ड्रेस से मैच करते हुए दो जोड़ी कंगन लिए हैं, क्योंकि ठाकुर जी को खूब सजना संवरना अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी पहनना भी बहुत पसंद है उनको, इसलिए मैं उनको डबल कंगन भी पहना देती हूँ, डबल हार माला, दोनों चीज़ पहना देती हूँ। और बस ऐसे ही मैं सेवा करती हूँ अपने ठाकुर जी की, क्योंकि मुझे तैयार करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है जब वो तैयार हो जाते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, मैं उनको देखती रह जाती हूँ। वैसे भी ठाकुर जी बहुत सुंदर ही हैं। पर मैंने लगा दिए हैं ठाकुर जी के कर्ली लॉन्ग हेयर, और इसके बाद मैं देख रही हूँ कि मुकुट लगाना है कि पगड़ी लगानी है, तो यहाँ पर मैंने लिया है इस मुकुट को। और मुकुट लगाने के बाद मैं ठाकुर जी को सबसे पहले उनके मंदिर में बैठा दूंगी, उनके सिंहासन पर। और ये है हमारे ठाकुर जी की बंसी, जो मैं उनके पास ही रख दूंगी, क्योंकि ये बंसी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और उनको वो एक सेकंड भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैंने उनको दे दी है वो बंसी। और इसके बाद मैं दीपक जलाऊंगी, और दीपक जलाने के बाद मैं करूँगी आरती।
आरती उतारने के बाद मैं ठाकुर जी को लगाऊंगी भोग, और भोग में मैं मिस्त्री को कंपलसरी रखती हूँ क्योंकि उनके खाने में सबसे फेवरेट चीज़ है तो वो माखन मिस्त्री है। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं या मीठा जो कुछ भी बनता है बर्फ़ी वगैरह उसका भी भोग लगाती हूँ, और डेली का जो खाना खाते हैं लंच में हम उसका भी भोग लगाते हैं, या फिर दिन भर बच्चों के लिए जो कुछ भी बनता है सब चीज़ों का मैं सबसे पहले ठाकुर जी को ही खिलाती हूँ, शाम की चाय भी पिलाती हूँ और उसके बाद उन्हें शाम को आरती करके और दूध पिला के सुला देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारे कान्हा जी अच्छे लग रहे हों, सुंदर लग रहे हों तो उनके लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।